इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में इस वर्ष से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। छात्र हित और परीक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने और परीक्षा प्रणाली को और बेहतर करने के उद्देश्य से उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पिछले वर्षों में सभी विद्यार्थियों का नाम, रोल नंबर, रोल कोड, विषय, ये सारी विवरणी बच्चों को कॉपी के फ्रंट पेज पर अंकित करनी पड़ती थी और अंकित करने के साथ में उसको शब्दों में लिखते हुए उनको गोलों में उनको भरना पड़ता था। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की गई उसमें यह देखा गया कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इन गोलों को भरने में काफ़ी बड़ी संख्या में गलती करते थे। यद्यपि ऐसे त्रुटियों की संख्या अपेक्षाकृत कुल विद्यार्थियों की तुलना में काफ़ी कम हुआ करती थी, किंतु जिन किसी भी विद्यार्थी द्वारा इन गोलों को गलत रूप से भरा जाता था वैसे विद्यार्थी का परीक्षाफल या तो लंबित प्रथम दृष्टया होता था और बाद में उस परीक्षाफल को सुधारने के लिए समिति द्वारा कई अन्य अभिलेखों से मिलान के आधार पर उनके परीक्षाफल को शुद्ध किया जाता था। इन सभी चीज़ों को और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष से यह निर्णय लिया गया है मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सभी विवरणियां छात्र छात्राओं से संबंधित कॉपियों पर पूर्व से ही प्रिंट करके केंद्रों पर भेजी जाएंगी। अर्थात जो भी कॉपी परीक्षा केंद्रों पर जाएगी उस कॉपी पर उस विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, रोल कोड, विषय, विषय कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, ये सारी विवरणी पूर्व से ही प्रिंट की जाएंगी और प्रिंट करके सेंटर पे भेजी जाएंगी, ताकि विद्यार्थी को जो गोलों को भरना पड़ता था और जिन गोलों को भरने में बच्चे त्रुटि करते थे, भले ही इन त्रुटि की संख्या यद्यपि ओवरऑल की संख्या में काफ़ी कम, 1% से भी कम रहती थी, लेकिन उन विद्यार्थियों को भी अब किसी भी प्रकार का गोलक को न तो भरना पड़ेगा और न ही ये सारी विवरणी उनको लिखनी पड़ेगी। तो इससे काफ़ी सुविधा होगी न सिर्फ छात्र छात्राओं को, क्योंकि उसमें उनका समय भी, उनकी बचत होगी। परीक्षा प्रणाली को और अधिक बेहतर और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से हर विद्यार्थी के नाम से अलग अलग विषयों की कॉपी भेजी जाएगी। तो इसकी व्यवस्था बिहार बोर्ड ऑलरेडी वर्ष से हम लोग इसको कर रहे हैं और इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त सूचनानुसार बहुत कम संभवतः देश के ऐसे बोर्ड हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शायद एक या दो बोर्ड ऐसी जानकारी मिली है जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था लोग करते हैं उसमें भी, लेकिन जो व्यवस्था बिहार बोर्ड कर रहा है वो उनसे काफ़ी भिन्न है। फॉर एग्जाम्पल एक राज्य है जहाँ हिमाचल प्रदेश में संभवतः इस प्रकार की व्यवस्था लोग कॉपी पर प्रिंट